एपिसोड की शुरुआत में नॉन्ग टोनी को कहता है, हम दोनों भाई बहन हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक बहन की तरह लाइक करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसके बाद दिखाया जाती है टोनी का दिल टूट जाती है और वो कुछ भी ना कह के सीधे अपने घर चली आती है। या फिर दिखाई जाती है उसकी दादी माँ इन दोनों भाई को उनकी कमरे में आने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर हमें नज़र आती है एक लॉयर। तो बेसिकली यहाँ पर उसकी दादी माँ चाहती है उनकी सारे जायदाद इन लोगों में अपने अपने हिस्से में बांट दिया जाए। तो दिखाया जाती है टोनी कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ देर बाद दिखाया जाता है खून उसे कहती है चुप हो जाओ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद वो चुप हो जाती है और दिखाया जाती है ये सब कुछ दूर से देख रहा है उडिन। तो दिखाया जाती है उडिन उसे कुछ भी नहीं कहती है और सब कुछ सुनते ही रहती है। खाउबान के ऊपर सीन फोकस होती है और यहाँ पे दिखाया जाती है वो बेसिकली नॉन्ग की रेस्टोरेंट पर आया है और यहाँ पे आने के बाद टोनी का फोन उसे मिलती है जो बेसिकली यहाँ पर खो चुकी थी। तो टोनी की दादी माँ की 15 से भी ज़्यादा कॉल आ चुकी है और कुछ देर बाद दिखाई जाती है कॉल को रिसीव कर लेती है खाउबान। तो खाउबान रिसीव करने के बाद उसकी दादी माँ ना पहचान के बोल देती है अभी तक खुन ने कोई भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया है, तुम लोग क्या कर रहा हो। ये बोलने के बाद फ़ोन को काट देता है और दिखाई जाती है शाम वाली सीन जहाँ पे खुन और टोनी एक साथ बात कर रहा है। तो कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाती है खाउबान। तो खाउबान आने के बाद टोनी को कहता है क्या ये तुम्हारा ही फ़ोन है। जिसके बाद टोनी कहती है ये मेरा ही फ़ोन है और फिर उसे कहती है तुम्हारी दादी माँ ने कॉल और उन्होंने कह रहा था पैसा अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जिसके बाद वो कहती है मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारे फ़ोन ले लो। ये बोल के यहाँ से चले जाती है और दिखाया जाती है कल सुबह की सीन जहाँ पे टोनी की दादी माँ के ऊपर सीन लेती है जो बेसिकली टोनी को कॉल करके कह रहा है मैंने सिम और फ़ोन दोनों ही चेंज कर दिया। जिसके बाद टोनी उसे कहती है मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आलिशान घर में रह रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़े में भी, और ये सब कुछ वीडियो कॉल में उसे दिखा भी देती है। तो कुछ देर बाद नॉन्ग की कॉल आती है और फिर नॉन्ग उसे कहती है हमारा रेस्टोरेंट पर आने के लिए। बेसिकली हमने कल जो मारपीट किया था ये ऑनलाइन पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी है, सो फैंस तुम्हारे साथ मीट करना चाहती है, जल्दी से रेस्टोरेंट पर आ जाओ। जिसके बाद दिखाई जाती है नॉन्ग भी चली आती है और यहाँ पर उसे एक फ्लावर देती है। तो फ्लावर लेती है और फिर सारे फैंस को कह दिया हम लोग भाई बहन है, मतलब ब्रदर सिस्टर है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है और यहाँ पर एक लड़की के ऊपर सीन फोकस होती है जिसका नाम होता है थालो। तो थालो को वो पसंद करती है, नॉन्ग उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। तो दिखाया जाता है इन दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो थालो जब वॉशरूम पर आती है उसके पीछे टोनी भी चली जाती है। जाने के बाद उसे कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। जिसके बाद थालो उसे कहती है तुम्हारा तो ये एनाकोंडा है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक भी है। जिसके बाद वो बाहर आती है और बाहर आने के बाद हमें दिखाई जाती है उन लोग रेस्टोरेंट के अंदर बातचीत करती है। तभी नॉन्ग की मॉम केक्स डिलीवर करने के लिए जा ही रहा था तभी थालो से कहती है बाहर बहुत जैम है, मैं जाता हूँ, मेरे पास एक मोटर बाइक भी है। जिसके बाद दिखाई जाती है उस केक्स की बैग को थालो के पास दे दिया जाती है और यहाँ पर हमें नज़र आती है टोनी को जो सीक्रेटली पता लगा चुकी है थालो बेसिकली छिपकली से बहुत ही ज़्यादा डरती है। जिसके बाद एक छिपकली को पकड़ लेती है और फिर दिखाई जाती है जाने के समय उसकी बॉडी पर वो छोड़ देता है। तो दिखाई जाती है थालो निकल जाती है और कुछ देर बाद हमें दिखाई जाती है टोनी इमेजिन करता है और वो ये इमेजिन करता है थालो ने कुछ गड़बड़ी कर चुकी है और केक्स खराब हो चुकी है और तभी एंट्री मार चुकी है टोनी और वो कह रहा है मैंने केक्स डिलीवर कर दूंगा, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उन लोगों की रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जिसके बाद प्रेजेंट मिल जाती है और दिखाया जाती है वो हंस रहा है ये इमेजिन करके और फिर दिखाया जाती है प्रेजेंट वाला सीन जहाँ पे थालो हमें नज़र आती है, जिसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उसे पता लग चुकी है उसकी बॉडी पर एक छिपकली है। तो दिखाई जाती है जो बाइक चला रहा है वो कह रहा है मुझे गर्म पानी की महसूस हो रहा है। थालो कहती है कुछ भी नहीं, तुम ठीक से ड्राइव करो। जिसके बाद दिखाई जाती है रेस्टोरेंट वाला सीन और यहाँ पे हमें नॉन्ग की मम की ऊपर सीन लेती है और उसे कस्टमर ने कॉल कर दिया और कह दिया कि एक सेफली पहुँच चुका है और ये सुन के टोनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। कुछ देर बाद दिखाई जाती है थालो को जिसका हालात बहुत ही ज़्यादा खराब है। उसके बाद टोनी यहाँ से घर की तरह निकल जाती है। तो कुछ देर बाद कुछ गुंडे उसे मारने की कोशिश करती है और ये सब कुछ भेजा है उडिन ने और ये सब कुछ वही गुंडे हैं जिन्होंने
नोंग के साथ मिसबिहेव कर चुकी थी। तो दिखाया जाता है यहाँ पर दोनों भाइयों में फाइट होती है और ये सब कुछ किसी ने रिकॉर्ड करके उडिन को दे देता है और उडिन लेकर उसकी दादी माँ को देती है, जिसके बाद वीडियो देखकर उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और फिर उन दोनों भाई को डांटने लगती है। कुछ देर बाद यहाँ पर नोंग आती है और सारे सच कह देती है। वो कहती है उस गुंडे ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है और इसलिए उन लोग प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ उन लोगों की फाइट हो जाती है, जिसके बाद उसकी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है उन लोगों के ऊपर। और फिर टोनी कहती है ये सब कुछ वीडियो शूट किसने किया है और यहाँ पर भी कैसे पहुँचा। उसे शक लग चुकी है उडिन के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली ये सब कुछ कहती है उडिन को मेंशन करके नहीं कहती है। अगली सुबह दिखाई जाती है उसकी दादी माँ डॉक्टर के पास आया है और यहाँ पर डॉक्टर कहती है तुम्हारा ट्यूमर वाला बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ये तो एक मिराकल है। तो खावान के ऊपर सीन लेती है जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था टोनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो उस डिटेक्टिव ने सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे चुकी है। तो कुछ देर बाद खून को एक जगह पर आने के लिए कहता है, खून भी यहाँ पर आ जाती है और फिर उसे सारे सबूत उसे दे देती है। तो यहाँ पर एक फोटोज भी होती है, एक लड़का होती है टोनी और दूसरा लड़का होती है डैमरोंग की असली बेटा। तो दिखाई जाती है खुद नहीं मानती है और कहती है ये सब कुछ झूठ है और यहीं पे एपिसोड 3 की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।